जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं टू व्हीलर के बारे में। टू व्हीलर व्हीकल्स अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि टू व्हीलर गाड़ियों को चलाते वक्त अगर आप हेलमेट लगाते हैं फिर भी आपका 1 से 2 हज़ार रुपये तक का चालान फिर भी काटा जा सकता है। तो आपको सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होगा कि हेलमेट लगाने पर भी चालान कटने वाला है क्या। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो न्यू रूल्स आए हुए हैं उसके तहत कि अब अगर आप हेलमेट लगाते हैं तो उसमें भी कुछ आपको टर्म्स कंडीशन जो है उसका पालन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आरटीओ का आपको फ्यूचर में मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, आपको जानकारी पूरी हम देते हैं। यहाँ पर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अब अगर आप हेलमेट टू व्हीलर ड्राइविंग करते वक्त लगाते हैं, वैसे तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि अगर आप टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो हेलमेट मैंडेटरी, अगर आप हेलमेट लगाते ही नहीं हैं तो आपका 2,000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। और लगाते हैं और कुछ मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ इन पॉइंट्स का, इन नियमों का अगर आप पालन नहीं करते हैं हेलमेट लगाते वक्त, तो फिर भी आपका 1,000 रुपये का मिनिमम, मैक्सिमम 2,000 रुपये का चालान काटा जा सकता है हेलमेट पहनने के बाद भी। तो क्या तरीका है, अब आप ध्यान से सुनिए कि सही तरीके से हेलमेट आपको कैसे पहनना है, क्या क्या इसके लिए वहाँ पर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेलमेट जो है आप लगाते हैं तो वो अब आप उसको चेक करना होगा कि क्या वो ISI सर्टिफाइड है कि नहीं, उसमें BIS सर्टिफाइड है कि नहीं। तो BIS सर्टिफाइड ISI मार्का का ही हेलमेट आपको ख़रीदना है, चाहे वो स्टड्स का ले लें, चाहे स्टील बार्ड का, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। अब बस इसमें ध्यान में ये आपको रखना है कि वो है दोस्तों BIS सर्टिफिकेशन का मानक को पूर्ण करता हो और साथ ही साथ ISI स्टैंडर्ड से रिलेटेड हो, तो ही आपको वो हेलमेट लगाना है। अगर आप इन ISI मार्का के हेलमेट के बावजूद कोई और एक्स्ट्रा हेलमेट पहनकर ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका 1,000 रुपये का चालान काटा जाएगा अब नए नियम के तहत। अब इसमें दूसरा पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, दूसरा पॉइंट यह है कि यहाँ पे अगर आप एक हेलमेट लगा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग करते क्या है कि वो हेलमेट तो लगा लेते हैं लेकिन उसमें नीचे जो स्ट्रैप होती है वहाँ पर गले के नीचे स्ट्रैप जो पट्टा होता है उसको बंद करना भूल जाते हैं और अपनी गाड़ी को लेकर चले जाते हैं रोड पर या फिर वहाँ पर कहीं भी सिटी वगैरह में या कहीं आप ड्राइविंग कर रहे हैं। तो अब आपको ध्यान में यह रखना है कि अगर आप वहाँ पर अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, हेलमेट पहने हैं, तो उसके साथ साथ स्ट्रैप भी बंद करना अनिवार्य है। अगर आप स्ट्रैप नहीं बंद करते हैं, पट्टा नहीं बंद करते हैं हेलमेट के नीचे वाला, तो आपका 1,000 रुपये का चालान काटा जाएगा। यह आपको ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। यह चालान जो कटने वाला है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत जो अमेंडमेंट किया गया है 2019 में, वहाँ पर 194D 194D के तहत अब आपका चालान काटा जाएगा या 1,000 रुपये का चालान काटा जाएगा। अगर आप वहाँ पर ध्यान से सुनिएगा हेलमेट लगाए हैं और ना तो वो BIS सर्टिफाइड है ना ISI मार्का का है, साथ ही साथ आप स्ट्रैप भी बंद करना भूल गए हैं, तो दोनों केसेस में दो पेनाल्टी आपके ऊपर लगेगी, 1,000 + 1,000 यानी कि 2,000 रुपये का चालान काटा जाएगा। तो 2,000 रुपये का चालान आपको भुगतना पड़ जाएगा अगर आप वहाँ पर हेलमेट लगाते भी हैं तो। जैसे कि आपने उपरोक्त पहले बताया कि कौन कौन नियमों का आपको पालन करना है, अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप हेलमेट लगाए हैं तो भी आपका 2,000 रुपये का चालान कट जाएगा। तो ध्यान से आप लोग वहां पर हेलमेट को परचेज करें, जो सही मानक का हेलमेट है सर्टिफाइड वाले हेलमेट को परचेज करें, साथ ही साथ जो नियम जो हैं हेलमेट पहनने के उसका आप पूर्णतः पालन करें, नहीं तो आपका सीधा चालान काटा जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी निकल के आई है, मैंने आपको जानकारी दी, आपको जानकारी की वीडियो कैसी लगी कमेंट से जरूर बताइए, अपने विचार भी बताइए। यहाँ पर सरकार का जो नया वहाँ पर फैसला आया हुआ है हेलमेट से रिलेटेड, अगर आप हेलमेट पहनते भी हैं आप और इन गलतियाँ करते हैं तो आपका वहाँ पर चालान कट जाएगा। तो यही आज की जानकारी, उम्मीद करता हूँ कुछ जानकारी पसंद आए, पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सभी लोगों से जानकारी पहुँचाइए, आपका काम है इस वीडियो को शेयर करना, और वहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में भी आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगर आपको अभी कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अवेलेबल हैं, जाकर वहाँ पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं फॉलो करके @TinkerAlokji। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।